हेलो एवरीवन, इन द प्रीवियस क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट द डेप्रिसिएशन। हमने समझा था कि डेप्रिसिएशन क्या रहता है। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि डेप्रिसिएशन के ऊपर न्यूमेरिकल कैसे करते हैं ताकि हमको समझ में आ सके, अगर कोई भी एक मेरी बिल्डिंग है उसकी कॉस्ट 50 लाख रुपए, तो 10 साल बाद उसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी। तो आज हम एक न्यूमेरिकल करेंगे जिससे हम पता लगाएंगे कि हमारे टोटल डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है एट द एंड ऑफ इट्स यूटिलिटी पीरियड। ओके, सो व्हाट इज न्यूमेरिकल? अ बिल्डिंग व्हिच इज सिचुएटेड बाय द साइड ऑफ अ मेन रोड ऑफ अ लखनऊ सिटी ऑन अ लैंड ऑफ 700 मीटर स्क्वायर। मतलब एक बिल्डिंग है जिसका टोटल लैंड एरिया कितना है, 700 मीटर स्क्वायर। ओके, दैट इज द ओवरऑल एरिया। द कॉस्ट ऑफ द लैंड इज 700 रुपीज पर मीटर स्क्वायर एंड द बिल्डअप पोर्शन इज 30 मीटर बाय 20 मीटर। अब इसमें से क्या है, 700 टोटल लैंड का एरिया था जिसमें से बिल्डअप एरिया कितना है 30 बाय 20, मतलब 600 हम उस पर बिल्ड कर सकते हैं ओवरऑल 700 में से। ओके, आगे द बिल्डिंग इज फर्स्ट क्लास टाइप एंड प्रोवाइडेड विद अ वाटर सप्लाई, सैनिटरी एंड द इलेक्ट्रिक फिटिंग्स एंड द एज ऑफ द बिल्डिंग इज 30 ईयर्स। Now what we had to do? We had to work out the valuation of the property. तो valuation कब निकलेगा? जब हमको पता चलेगा कि 30 साल बाद उस प्रॉपर्टी में कितनी वैल्यू हो जाएगी। अब ये मान के चल रहे कि प्रॉपर्टी को बनाने में मुझे X खर्चा लगा, तो X खर्चा लगा मतलब फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैंने एक प्रॉपर्टी बनाई जिसको टोटल X खर्चा लगा, तो 30 साल बाद इस X खर्चे की वैल्यू कितनी हो जाएगी? After 3 years, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.2x हो जाएगी, 0.3x हो जाएगी, 0.7x हो जाएगी, कितनी होगी? तो यहाँ से मुझे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट मिल जाएगी, इसमें मैं कॉस्ट ऑफ लैंड ऐड कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा टोटल वैल्यूएशन ऑफ द प्रॉपर्टी कितना होगा। तो चलिए इस न्यूमेरिकल को स्टार्ट करते। सबसे पहले हम निकालते प्लिंथ एरिया ऑफ द बिल्डिंग, प्लिंथ एरिया ऑफ द बिल्डिंग। आपको कितना एरिया दे रखा है, 30 मीटर बाय 20 मीटर, सो द प्लिंथ एरिया विल बी 30 बाय 20, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 600 स्क्वायर मीटर। टोटल एरिया कितना आ गया, 600 मीटर स्क्वायर। अब 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी चल रही है? अगर मैं अब बात करूं पर कोई भी पर्टिकुलर सिटी की, तो 1 मीटर स्क्वायर को कॉस्ट बनाने की चल रही है 150 रुपए, 170 रुपए, 180 रुपए, 200 रुपए पर मीटर स्क्वायर के आसपास। तो हम इसमें से क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है, तो हम एक रैंडम वैल्यू सिलेक्ट करके उसकी कैलकुलेशन देखते हैं। सो अज्यूमिंग लेंथ एरिया रेट विच इंक्लूड, क्या क्या बोला था आपको क्वेश्चन में, व्हाट यू हैव टू इंक्लूड, वाटर सप्लाई, सैनिटरी एंड द इलेक्ट्रिक फिटिंग, व्हिच इंक्लूड वाटर सप्लाई, सैनिटरी एंड इलेक्ट्रिक फिटिंग, जिसके अंदर सब कुछ आ गया, वाटर सप्लाई भी आ गया, इलेक्ट्रिक फिटिंग भी आ गई और सैनिटरी भी आ गया। तो हम इसका रेट एक एज्यूम कर लेते हैं 180 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, कितना मान लिया, 180 रुपए मीटर स्क्वायर के आसपास। तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग कितनी आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, आपके पास टोटल एरिया कितना है, 600 मीटर स्क्वायर इंटू 180, 600 इंटू 180, सो दैट विल गिव यू द टोटल कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग। तो ये कितना आएगा, 108,000, मतलब मुझे जो टोटल कंस्ट्रक्शन करना है, ये टोटल कंस्ट्रक्शन करने में मुझे कितना लगा, 108,000 रुपए के आसपास। तो टोटल कॉस्ट बनाने के लिए इतना आया, बट ये हमने बोला था एक्स है। अब 30 साल बाद तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, तो हमको क्या करना है, इस वैल्यू के अंदर डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करना है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन ऑन दिस पर्टिकुलर वैल्यू। सो एज द लाइफ ऑफ द बिल्डिंग इज 30 ईयर्स, ये बिल्डिंग की लाइफ ऑलरेडी मुझे दे रखा है क्वेश्चन में, इतनी है 30 ईयर्स, देयरफॉर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन क्या होगा, सो द डेप्रिसिएशन फॉर्मूला विल बी डी इक्वल्स टू पी 100 माइनस RD/100 की पावर n, सो दैट इज द डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला क्या है,
पी मीन्स आपकी टोटल कॉस्ट कितनी है, आपकी बिल्डिंग की कॉस्ट कितनी थी, 108,000 रुपए। सो द प्री विल बी 108,000 रुपए। वॉट इज आर डी, आर डी इज द फिक्स परसेंटेज रेशियो। तो ये कितना है हमारे पास, 1, आर डी विल बी इक्वल टू 1, ओके, एंड द एन विल बी इक्वल टू 30 ईयर्स। तो हम क्या करेंगे, ये सारी वैल्यू जो है इस डेप्रिसिएशन के फॉर्मूले पे रख देंगे ताकि पता चल सकेगा कि 30 साल बाद उसकी वैल्यू कितनी आ रही है। सो द डी विल बी इक्वल्स टू 108,000 माइनस 1 अपॉन 100 की पावर 30 मीन्स डी विल बी इक्वल्स टू 108,299 अपॉन 100 की पावर 30, ओके। जब आप इसको सॉल्व करेंगे सो इट विल गोइंग टू कम 7,9,1,2,3। मतलब अब आपकी बिल्डिंग की लाइफ कितनी हो गई, आपकी बिल्डिंग की लाइफ हो गई 80,000 के आसपास, मोटा मोटा। पहले कितनी थी, 108,000, अब कितनी हो गई, 80,000 के आसपास। मतलब कितना डिफरेंस आया, 28,000 का डिफरेंस आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि उसके अंदर वियर एंड टियर हो रहा है, उसकी डिजाइन चेंज हो रही है, वो थोड़ी सी आउटडेटेड हो रही है। तो यहाँ पर अब आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू हो गई 80,000 एज कंपेरिजन विद द 1,08,000, ओके। अब इसमें आपको क्या निकालना है, नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ लैंड, टोटल कॉस्ट ऑफ लैंड, कितना एरिया है आपके पास टोटल, 700 इंटू 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है 700, तो ये कितना आ गया, 490,123। मतलब 4,90,000 आपकी कॉस्ट आ गई जमीन की, और आपकी प्रॉपर्टी की कितनी कॉस्ट है, 7,9,888। देयरफोर टोटल कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग विल बी इक्वल्स टू 490,000 प्लस 7,9,888। सो दैट कम्स आउट टू बी 5,69,888 रुपीज, और यू कैन से अप्रोक्सीमेटली 5,70,000 रुपीज, दैट विल बी द वैल्यूएशन ऑफ द प्रॉपर्टी। आया समझ में, वॉट वी डन, वी जस्ट एज्यूम द रेट 180 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। ये मैंने कैसे एज्यूम करा, आप चाहे तो जितने भी पास में, अगर लोकेलिटी में अगर आपका कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो आप वहां पे रेट पूछ सकते हैं कि भैया रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या चल रहा है, तो आप चाहे तो वहां से ये रेट अपने हिसाब से डाल सकते हैं, या फिर आप चाहे तो पूरा एस्टिमेट बना सकते हैं। जैसे कि हमने थर्ड यूनिट में आपको याद है एस्टिमेशन करा था बाय द लॉन्ग वॉल मेथड, बाय द शॉर्ट वॉल मेथड, बाय द सेंटर लाइन मेथड, तो उस मेथड की मदद से आप प्लिंथ एरिया का रेट निकाल सकते हैं, और वही रेट इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए कि आपको कितना कंस्ट्रक्ट करना है। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ये वैल्यू आपको डायरेक्ट प्लस नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, क्योंकि आपकी जो कैलकुलेशन है वो 30 साल बाद के लिए, तो 30 साल बाद आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी हो रही है, इतनी हो रही है कंस्ट्रक्शन की वैल्यू, और ओवरऑल प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जमीन की कीमत कभी भी कम नहीं होगी, इट विल गोइंग टू इंक्रीज इट। हम ये देख रहे हैं कि 30 साल बाद कंस्ट्रक्शन की वैल्यू कम होगी, जमीन की वैल्यू तो हो सकता है इसका 10 टाइम्स हो जाए, इसका 20 टाइम्स हो जाए, दैट इज डिपेंडिंग। तो मतलब आज मेरे पास जो वैल्यू है वो 4,90,000 प्लस 1,08,000, और 30 साल बाद मेरे पास ये वैल्यू तो सेम रहेगी, बट मेरे पास यहाँ पर डेप्रिसिएशन आ जाएगा। किस वैल्यू में, कंस्ट्रक्शन वैल्यू में, ओके। तो आई होप दिस न्यूमेरिकल इज क्लियर टू यू, जिसमें हमने डेप्रिसिएशन भी निकाला, साथ ही साथ हमने इस प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन भी करा। ओके, थैंक यू।